नमस्कार दोस्तों, जीटीयू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो सर्कुलर जारी किया कि भाई कुछ लोगों को मास प्रमोशन दिया जाएगा, मेरिट बेस में प्रमोशन दिया जाएगा, कुछ लोगों की एग्जाम दी जाएगी, उसके बाद बहुत लोगों का कंफ्यूजन है किसकी एग्जाम दी जाए किसकी एग्जाम नहीं दी जाएगी। तो अभी अभी एक जीटीयू ने सर्कुलर जारी किया है कि एग्जाम किसको देनी है और कब देनी है। तो उसकी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेन पॉइंट है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहली चीज कि आपको जो इस नया जो सर्कुलर आया है जीटीयू का, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई मैंने, वहीं जाके पूरा आपको सर्कुलर मिल जाएगा। तो पहली चीज दोस्तों कि जो डिप्लोमा के लिए है और जो अंडर ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन की कोर्सेज कौन से है, जो ट्वेल्थ के बाद जितने भी कोर्सेज है वो अंडर ग्रेजुएशन कहलाते हैं। अगर आप डिग्री करते हो वो भी अंडर ग्रेजुएशन है, अगर आप फार्मेसी करते हो वो भी अंडर ग्रेजुएशन है, बाकी अगर आप बीएससी करते हो वो भी अंडर ग्रेजुएशन है, यानी ट्वेल्थ के बाद जितने भी कोर्सेज करते हो वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज है। तो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज और डिप्लोमा वाले को एग्जाम सिर्फ फाइनल सेमिस्टर वाले को देनी है। अगर डिप्लोमा फाइनल सेमिस्टर सिक्स है तो सिक्स वाले को एग्जाम देनी है, सेकंड और फोर्थ वाले को एग्जाम नहीं देनी है। अगर डिग्री के अंदर फाइनल सेमिस्टर एट है तो उसके अंदर भी सेकंड फोर्थ और सिक्स वाले को एग्जाम नहीं देनी है, सिर्फ एट्थ वाले को एग्जाम देनी है। वो एग्जाम कैसी रहेगी वो आपको मैं यहां पे बताने वाला हूं। दूसरी चीज, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर डिग्री के बाद कोई मास्टर करता है या फिर बीकॉम के बाद कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, एमफार्म कर रहा है, ये जो मास्टर के जो कोर्सेज है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में सारे सेमिस्टर वाले को एग्जाम देनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है सिर्फ फाइनल वाले को एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे स्टूडेंट को, सारे सेमिस्टर को स्टूडेंट को एग्जाम देनी पड़ेगी। ओके, दूसरी चीज, एग्जाम कहां पे देनी पड़ेगी, दूसरी चीज एग्जाम कहां पे देनी पड़ेगी। एग्जाम के लिए आपको दो चॉइस दी जाएगी, आप एग्जाम अपनी जो कॉलेज है वहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप बोलोगे सर मेरी कॉलेज अहमदाबाद में है लेकिन मैं रहता हूं राजकोट में, मैं रहता हूं मोरबी में, तो आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको मोरबी में एग्जाम देनी है या फिर अपनी जो कॉलेज जो अहमदाबाद है उसमें एग्जाम देनी है। ओके, तो आप अगर आप सिलेक्ट करोगे मैं मुझे मोरबी में एग्जाम देनी है, मुझे राजकोट में एग्जाम देनी है, तो उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी कॉलेज में एग्जाम देनी है वो आपको चॉइस नहीं दी जाएगी, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी कॉलेज में आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। ओके, ये चीज याद रखिए। दूसरी चीज दोस्तों, जो एग्जाम होगी वो पूरी सेफ्टी के साथ होगी, उसके अंदर मास्क होगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगा, सैनिटाइजेशन सिस्टम, कॉलेज को सैनिटाइज किया जाएगा, और दूसरी चीज जो स्टूडेंट है, जो फैकल्टी है, उनको भी मास्क पहन के ही आना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट मास्क पहन के नहीं आता है तो उसको एग्जाम नहीं दी जाए देनी जाएगी। दूसरी चीज, ये मास्क आप रूमाल का भी बना सकते हो, ऐसे घर पे भी बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब मेन चीज की बात करता हूं कि एग्जाम कैसी रहेगी। एग्जाम दो घंटे की रहेगी, कितने घंटे की, दो घंटे की रहेगी, और दो घंटे के लिए जो एग्जाम की जो पैटर्न है वो जीटीयू शॉर्ट टाइम में जारी करेगा। अभी जीटीयू ने उस एग्जाम की पैटर्न कैसी रहेगी वो जारी नहीं किया, लेकिन एग्जाम कितने घंटे की रहने वाली है, दो घंटे की रहने वाली। दूसरी चीज, ये एग्जाम कौन सी एग्जाम ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल थियोरी की जो एग्जाम है वही एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, जो एक्सटर्नल थियोरी है वही एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। अगर कोई इंटरनल प्रैक्टिकल है, अगर वो उसकी एग्जाम ले ली है कॉलेज ने तो कोई बात नहीं है, अगर उसकी एग्जाम नहीं ली है तो कॉलेज उसका जो आपकी जो परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग दे दी जाएगी। अगर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है, अगर कुछ वाइवा होता है वो एक्सटर्नल एग्जाम होती है, तो एक्सटर्नल सपोज प्रोजेक्ट ले लो, ओके, प्रोजेक्ट यानी आप डिप्लोमा में डिग्री में जो प्रोजेक्ट है उसकी एग्जाम एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होती है, ओके, बाहर के से फैकल्टी आते हैं, तो उसकी जो एग्जाम है वो आपकी जो कॉलेज की जो इंटरनल फैकल्टी है, जो सीनियर फैकल्टी है, वो ही उसकी एग्जाम ले लेंगे और उसके मार्क रख देंगे। समझ आ गया, एक्सटर्नल कोई फैकल्टी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होने वाली, ओके। लेकिन जो मास्टर के अंदर जो है, जो एमफार्म कर रहे हैं, जो मास्टर इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
उनको एक डीपी वन आता है और डीपी टू आता है, डिजर्टेशन वन डिजर्टेशन टू, तो उनकी एग्जाम तो उनको देनी ही पड़ेगी। ओके, तो उनकी एग्जाम कैसे रहेगी, कब रहेगी, वो जीटीयू शॉर्ट टाइम में डिक्लेयर करेगा। दूसरी चीज, अगर कोई स्टूडेंट बोलता है, कोई डिप्लोमा का कोई स्टूडेंट है, वो सेकंड सेमिस्टर में है, तो उसको सेकंड सेमिस्टर में कोई सब्जेक्ट के अंदर उसके जो अगले सेमिस्टर के जो मार्क्स है और इस सेमिस्टर के जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको प्रमोशन दिया हुआ है, अगर वो बोलता है, आगे जाके बोलता है कि सर मेरे मार्क्स कम है, मुझे ज्यादा मार्क्स चाहिए, मुझे इम्प्रूवमेंट लाना था, मुझे इतने मार्क मंजूर नहीं है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो दोस्तों जब अगले सेमिस्टर में आप जाओगे, अगर आपको चाहिए कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, ये जो स्कोर आया मुझे मंजूर नहीं है, तो आप जो है आपकी जो स्पेशल एग्जाम है, आपका जो ग्रेड हो वो इम्प्रूव करने के लिए आपकी जो स्पेशल एग्जाम है, अगर आप देना चाहो ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए, तो आप दे सकते हो। ओके, अगर आप चाहो तो, कंपलसरी नहीं है। दूसरी चीज कि एग्जाम का जो फॉर्म है, जो फाइनल सेमिस्टर वाले की एग्जाम लेनी है, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, फाइनल सेमिस्टर वाले कौन से, अंडर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के फाइनल सेमिस्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे सेमिस्टर के लिए। ओके, जो एग्जाम के फॉर्म है वो शॉर्ट टाइम में डिक्लेयर हो गए, वो भी मे बी ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा। ओके, कॉलेज में जाके भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी आपको जीटीयू जारी करेगा कैसे फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है। ओके, दूसरी चीज, अगर कोई बोलता है सर मैं जो हूं वो कोरोना इन्फेक्टेड हूं, मुझे कोरोना हुआ है, तो मैं कैसे एग्जाम दे सकता हूं, तो मैं दुआ करता हूं, जीटीयू दुआ करता है कि आपको कोरोना ना हो, ऐसी कंडीशन ना हो जीटीयू कोई भी स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोरोना हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाओ, वो मैं ऐसी दुआ करता हूं। लेकिन अगर हुआ है तो दोस्तों आपको अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा आपकी जो कॉलेज है उसको, और आपकी जो कॉलेज है जब आप अच्छे हो जाते हो आपकी स्पेशल एग्जाम दी जाएगी। ओके, स्पेशल एग्जाम की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। ओके, तो दोस्तों अभी भी कंफ्यूजन है कि सर अगर मैं सिक्स सेमिस्टर में हूं डिप्लोमा में, तो मुझे फर्स्ट सेमिस्टर की ब्लॉक है, तो मेरी एग्जाम कैसे रहने वाली। दोस्तों ये सारी एटी केटी की जो चीज है वो अभी तक जीटीयू ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, तो अगर शॉर्टली जीटीयू नया सर्कुलर जारी किया है ताकि एटी केटी वालों के लिए, तो मैं आपको ये जो शॉर्ट में इजीली समझा है उसी तरीके में मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है एटी केटी के अलावा, एटी केटी का कोई सर्कुलर जीटीयू ने जारी नहीं किया है, वो करेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरा जो नंबर है वो भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये सर्कुलर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाके डाउनलोड कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।